श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज यानी 31 मई 2020 दिन रविवार। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रतिदिन पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पंचांग। माह है ज्येष्ठ, पक्ष है शुक्ल, तिथि है नवमी, जो शाम के 5:36 तक रहेगा, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। वार है रविवार। दिल्ली समय अनुसार अगर सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखें तो सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:14 पर। चंद्रोदय होगा दोपहर 1:24 पर और चंद्रास्त होगा रात के 2:11 पर। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जो रात के 3:01 तक रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। योग है वज्र, जो दोपहर 4:21 तक रहेगा, उसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। प्रथम करण है बालव, जो सुबह 6:49 तक रहेगा और द्वितीय करण कौलव शाम के 5:36 तक रहेगा। सूर्य रहेंगे आज वृषभ राशि में, चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में सुबह 10:19 तक, उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्य नक्षत्र है रोहिणी। आज का दिशा सूल है पश्चिम दिशा, इसलिए यात्रा पर जाने से पहले घर से दलिया एवं घी खाकर निकले। राहु का वास रहेगा उत्तर दिशा में, साथ ही नक्षत्र सूल लग रहा है उत्तर दिशा में, जो कि रात के 3:01 तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से 12:47 तक। अमृतकाल है रात के 8:20 से 9:49 तक। विजय योग लग रहा है दोपहर 2:37 से 3:33 तक। इसके साथ ही सर्वाध सिद्धि योग लग रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा। अमृत सिद्धि योग 1 जून की सुबह 3:01 से 5:24 तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग लग रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा। आज के अशुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। राहु काल है शाम के 5:30 से 7:14 तक और यमगंड है दोपहर 12:19 से 2:03 तक। आज के व्रत और त्यौहार में आज है महेश नवमी। आज के शुभ कार्य में आज नामकरण एवं विद्या आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त है। तो ये थी जानकारी आज के पंचांग की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।